परफेक्ट सिलेक्शन है सर का, और इसमें टीनू वर्मा सर, रमेश मीर साहब, मेहुल कुमार, माय गॉड, मतलब आज इस छत के नीचे मैंने जो सेलिब्रेशन देखा है, यकीन जानिए कि कल जब वोटिंग होगा तो सारे बॉक्सेस अग्रवाल एंड ग्रुप के लिए फुल होंगे, इसलिए कि इसमें साउथ से आए हुए तमाम प्रोड्यूसर्स जो मैंने सपोर्ट देखा है वो मैं भुला नहीं सकता हूँ, जो गुजरात से आए हुए लोग, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं गुजरात के लोगों का कोई कुछ इस तरीके का गन्ना ना हो, क्योंकि अभी ऊपर से लेकर नीचे तक गुजरात ही छाया हुआ है, लेकिन उनका जो समर्थन मैंने टीपी सर के लिए देखा है, तो यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है इस चुनाव में, और कल के लिए हम सब लोग एक्साइटेड हैं। मेरा क्या है, नमस्ते बिहार फिल्म आ रही है, हिंदी फिल्म में बनकर तैयार है, रिलीज के लिए तैयार है, 9/11/2018 को आपके नज़दीकी सिनेमा घर में फिल्म आने वाली है, क्योंकि फिल्म बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं टीशर्ट जरूर कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर के तौर पर ये परिवार जो मुझे मिला, सपोर्ट मिला है, सर की वजह से, क्योंकि सर आप जीत रहे हो, हम सब की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, हीरो राजन कुमार अपनी तमाम टीम और लोगों के साथ सर बात की जाए नमस्ते बिहार की, तो उसको बताना चाहेंगे बनी है और वहाँ के बारे में ओमकार फिल्म इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर तले की फिल्म बनी है। बैनर के पास तीन लैंग्वेज का टाइटल है, जिसमें जो शूटिंग जहाँ सबसे ज़्यादा हुई थी मुंबई, वहाँ की भाषा अंगिका, बिहार की भाषा है अंगिका, वहाँ के लिए टाइटल है। भोजपुरी फिल्म का टाइटल ओमकार फिल्म का पास है। सबसे पहले रिलीज जो है वो और ऑल ओवर इंडिया के लिए नमस्ते बिहार अपने आप में एक सफल टाइटल है। सुनते हैं कि स्ट्राइक करता है भाई, जो बिहार हमेशा फाइट के लिए, जो बिहार हमेशा मजदूरी के लिए, जो बिहार हमेशा वहाँ के अनडेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, अब लोग इस फिल्म को देखने के बाद नमस्ते बिहार के विद्या धर्म दर्शन और मोक्ष का बिहार नमस्ते बिहार, क्योंकि बिहार सदियों से दुनिया को बहुत कुछ देता आया है, जिसका बखान करने से लोग कतराते हैं, ऐसे में ये फिल्म जो है हिंदी फिल्म नमस्ते बिहार, ये बिहार की अच्छाइयों को पूरे भारत से जोड़ने की कोशिश करेगी, और इसमें सफल भी है। फिल्म को आप देखेंगे, ट्रेलर आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत बनाए, ट्रेलर से आपको पता चल जाएगा कि फिल्म का अंदाज क्या है। हमने साउथ के एक्शन को भी इसमें आजमाया है, क्योंकि हम शाहरुख खान साहब की रोमांस की बात करें तो इस फिल्म में भूमिका चरित्र जो हीरोइन है इस फिल्म की खुद आसाम से है, तो ऐसे में सेवन स्टेट के लोगों ने जो बिहार में जाकर काम किया इस फिल्म के लिए, उसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत तरीके से आपके सामने आने वाला है। तो इस मंच से फिल्म के रिलीज डेट को बताते हुए पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 9/11/2018 आपके नज़दीकी सिनेमाघर में नमस्ते बिहार जरूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं,